गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप अपनी जगह सुरक्षित होंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है मुहावरे। मुहावरे एक वाक्यांश के ऐसे शब्द होते हैं जो कि किसी अर्थ को एक विशेष अर्थ के अंदर बदल देते हैं। कैसे, आइए हम देखते हैं। पहला मुहावरा जो हमारा है वह है अक्ल का दुश्मन। अक्ल का दुश्मन अर्थ क्या होता है इसका? इसका अर्थ होता है मूर्ख। इनके मूर्ख के लिए हम अक्ल का दुश्मन कहते हैं उसको। कैसे कहते हैं? जैसे मैं अगर किसी को उत्तर की बात करता हूं और वह दक्षिण की बात करता है तो हम कह सकते हैं कि आप तो मतलब अक्ल के दुश्मन हो, मूर्ख हो। मैं बात क्या कर रहा हूं, आप बोल किसी बारे में रहे हो, तो उसे कह सकते हैं कि वह तो निरा अक्ल का दुश्मन है। क्लियर है? यस। नेक्स्ट करते हैं, अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना का मतलब होता है साफ मना कर देना। ठीक है, साफ मना कर देना। जैसे ही मैंने रमेश से अपने दिए हुए पैसे मांगे, उन्होंने क्या किया? अंगूठा दिखा दिया। अंगूठा दिखाना मतलब साफ मना करना। ठीक है, तीसरा जो मुहावरा हमारे पास है, आकाश पाताल एक करना। आकाश और पाताल को एक करना मतलब कड़ी मेहनत करना, बहुत ज्यादा मेहनत परिश्रम करना। जैसे विद्यार्थी जो कक्षा में फर्स्ट आने के लिए क्या कर देते हैं? आकाश पाताल एक कर देते हैं, इनके कड़ी मेहनत करते हैं। इसके बाद है आंखों में धूल झोंकना। आंखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना। कि जैसे चोर पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर भाग गया क्योंकि वह सातिर चोर था, मतलब उसको धोखा देकर वह भाग गया। आगे हमारा अंधे की लाठी। अंधे की लाठी का मतलब क्या होता है? एकमात्र सहारा। यानी कि जैसे श्रवण कुमार थे, वो अपने माता पिता की अंधे की लाठी थे, यानी कि उनका एकमात्र सहारा वही था। ठीक है, तो अंधे की लाठी का मतलब क्या हुआ? एकमात्र सहारा। आगे हमारा उंगली पर नचाना, मतलब अपने वश में कर लेना। जैसे आपने देखा होगा जो खेल होता है बंदर का, बंदर और मदारी का, यानी कि हम कह सकते हैं कि बंदर जो है मदारी की उंगली के इशारे पर नाचता है, मतलब वह उंगली पर नाचता है, यानी कि उसके वश में है वो। अगला जो मुहावरा है, मुंह छिपाना। मुंह छिपाना मतलब लज्जित होना। कि किसी व्यक्ति ने रिश्वत ली और जब उसका सबको पता चला तो वह किसी को मतलब वह अपना मुंह छिपाता फिरता रहा। ठीक है, यानी कि वह लज्जित हो गया। आगे है नाक में दम करना। नाक में दम करना मतलब परेशान कर देना। कि कई बार जो छोटे बच्चे होते हैं परिवार की नाक में दम कर देते हैं, मतलब उनको परेशान कर देते हैं। अगला मुहावरा हमारा कान पर जू न रेंगना, यानी कि कुछ असर ना होना। कि मैंने उनको इतना समझाया लेकिन उनके कान पर जू तक ना रहेगी, मतलब कुछ असर नहीं हुआ, मेरे समझाने का उन पर कुछ असर नहीं हुआ। तो हम मुहावरे का प्रयोग कर सकते हैं कि उनके कान पर कोई जू नहीं रेंगी। अंतिम जो हमारा मुहावरा है वो है रंग में भंग पड़ना। रंग में भंग पड़ना मतलब खुशी के अंदर कोई बाधा या मुश्किल आ जाना। जैसे जन्मदिन की पार्टी मेरी अच्छी चल रही थी, राम और श्याम में झगड़ा होने के कारण रंग में भंग पड़ गया। तो ठीक है, तो ये थे आज के हमारे 10 मुहावरे। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट 10 मुहावरे और लेके आते हैं। इंपॉर्टेंट मुहावरे हैं, आप इनको लिख लीजिए। ठीक है, आसान से मुहावरे हैं, अकल का दुश्मन मूर्ख, अंगूठा दिखाना, साफ मना करना, आकाश पाताल एक करना, कड़ी मेहनत करना, आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना, अंधे की लाठी एकमात्र सहारा, उंगली पर नचाना, अपने वश में करना, मुंह छिपाना, लज्जित होना, नाक में दम करना, परेशान करना, कान पर जू न रेंगना, कुछ असर न होना, और अंत में है रंग में भंग पड़ना, खुशी में बाधा पड़ना। तो ये 10 मुहावरे हैं। अगले वीडियो में अगले 10 मुहावरे लेकर हम जल्दी ही मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।